पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति कोविंद तक भारत की इन शख्सियत ने लता मंगेशकर को दी जन्मदिन की बधाई। हिंदी फिल्मों में अपने गानों से लाखों करोड़ों दिलों की जीतने वाली मशहूर गायिका लता मंगेशकर आज अपना 89वां जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर उन्हें बॉलीवुड सितारों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई दी है। भारत रत्न लता मंगेशकर 30,000 से भी ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है। लता मंगेशकर ने करीब 7 दशकों तक हिंदी गानों की दुनिया पर राज किया। जन्मदिन के विशेष मौके पर जानते भारत की किस किस शख्सियत ने उन्हें बधाई दी है। अशोक पंडित फिल्म निर्माता और निर्देशक अशोक पंडित ने लता मंगेशकर को ट्विटर के जरिए जन्मदिन की बधाई दी है। अशोक पंडित ने उनकी तुलना देवी सरस्वती से करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सुरों के मलिका लता मंगेशकर को ट्वीट करते हुए 89वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस पर मेरी बधाई और शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी सुरीली आवाज बरसों बरस दुनिया भर में फैले, उनके करोड़ों प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के खास परिचित भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, सम्मानित लता दीदी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशकों तक फैले आपके असाधारण काम ने करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी है। आप हमेशा हमारे देश के विकास के लिए उत्सुक रही हैं। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को लाखों लोग पसंद कर रहे हैं। यशराज फिल्म्स बॉलीवुड की मशहूर निर्माता कंपनी यशराज फिल्म्स ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लता मंगेशकर को जन्मदिन की बधाई दी है। बता दें कि लता मंगेशकर ने यशराज की कई फिल्मों में अपनी खूबसूरत आवाज दी थी।